नमस्कार, पत्रिका पोल बुलेटिन में आपका स्वागत है। हूं वरुण। आज के जो दो बड़े विषय हैं, सबसे पहला तो ये विषय है कि मोदी ने आज अपने मोदी ऐप के जरिए लाइव देश के 5 जिलों में सीधे बात की है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से बात करते हुए उन्होंने पहला इस चुनाव का 2018 के जो 3 राज्यों में बड़े चुनाव हैं उन चुनावों का पहला नारा मोदी ने दिया है, मेरा बूथ सबसे मजबूत। एक तो हम इस पर बात करेंगे, दूसरा विषय हमारा है कांग्रेस की जो सूची है जिसको आज हमने पत्रिका ने फ्लायर खबर लगाई है, और जो सूची है वो जारी हो सकती है 15 अक्टूबर तक। इन दोनों ही विषयों पर बात करने के लिए हमारे साथ 3 सहयोगी हैं। सबसे पहले हमारे साथ हैं भारतीय जनता पार्टी के जिला महामंत्री घनश्याम कौशिक साहब। कौशिक साहब, आपका स्वागत है। दूसरे हमारे साथी हैं वरिष्ठ पत्रकार बिल्हा से आते हैं रमेश पांडे जी। तीसरे हमारे साथी हैं वरिष्ठ पत्रकार सतीश यादव। घनश्याम जी, मोदी ऐप में क्या रहा, कैसे कैसी बातचीत हुई, मेरा बूथ सबसे मजबूत, क्या क्या है ये थी? जी, माननीय प्रधानमंत्री जी का आज जो चर्चा हुई वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा, और उसमें जो बिलासपुर जिले के हमारे कार्यकर्ताओं के द्वारा जो प्रश्न दिया गया, उसमें एक महत्वपूर्ण प्रश्न था कि हम नक्सलवाद से किस प्रकार से निपटेंगे या सरकार निपटेगी, और इस पर माननीय मोदी जी ने स्पष्ट कहा कि जिस तरह से और पिछले सत्रों में या पिछले 5 वर्ष से पहले जिस प्रकार से लगभग 12-13 जिले जो नक्सल मुक्त प्रभावित हुए हैं उनके बारे में उनके द्वारा बताया गया कि किस प्रकार के विकास कार्यों के दम पर और जो नक्सलवाद है उनको हम समाप्त कर सकते हैं, और इसका उदाहरण है कि हम बस्तर में चाहे वो सड़कों का जाल हो, रेलों का जाल हो, और इस तरह से विकास कार्यों का, बिलासपुर से बस्तर की बात कर रहे थे, नहीं नक्सलवाद की समस्या पे जड़ से उन्मूलन के लिए विकास कार्यों के मुद्दा के बारे में बताया गया कि किस प्रकार हम विकास के द्वारा हम उस समस्या को हल कर सकते हैं। दूसरा क्या बिंदु रहा? दूसरा विकास में बूथों के बारे में रहा जानकारी, जो संगठनात्मक चर्चा थी, जिस प्रकार से हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता चाहे शक्ति केंद्र हो या जो बूथ स्तर है उसमें हम किस मैनेजमेंट के साथ और रणनीति में आगे आएंगे और किस मैनेजमेंट के साथ और बूथ को जीतेंगे, जिससे मेरा बूथ सबसे मजबूत का नारा जो भारतीय जनता पार्टी के द्वारा दिया गया है और उस पर अमल करने की बात कही थी। सतीश, कैसे देखते हैं आप मोदी की आज के इस कार्यक्रम की सभा? तो मेरी नज़र में है कि एक तो नक्सलवाद देश की सबसे बड़ी समस्या है, जो 15 साल से सत्ता में बीजेपी है, और नरेंद्र मोदी हो या डॉक्टर रमन सिंह हो, सिर्फ मछली पे बात करते हैं, अभी समस्या का हल अभी तक हो नहीं पाया है। ये पिछले कांग्रेस के ऊपर भी आरोप लगाते आ रहे थे कि नक्सलवाद कांग्रेस के जड़ है, तो जड़ों को भाजपा ने क्यों खत्म नहीं कर पाया, बड़ा सवाल है। हर बार ये बात आती है, चाहे राजनाथ सिंह बोले या नरेंद्र मोदी बोले कि हम जड़ से खत्म कर देंगे, लेकिन आज तक ये खत्म नहीं हो पाया। दूसरी बात, जो बूथों की बात को लेकर नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं कि ये इनका ये चुनावी फंडा है। 2003 में जब छत्तीसगढ़ राज्य बना उसका अजीत जोगी जी मुख्यमंत्री थे, तो इस चीज़ को सौदान सिंह जी ने चलाया था, बूथों पर ज़्यादा ही हमको ध्यान देना, ग्राउंड पे जाकर काम करना है। वो अंदर ही अंदर इतना ज़बरदस्त घुसे जिसका परिणाम छत्तीसगढ़ में आया और आज 15 साल से लोग राज कर रहे थे। वो परिस्थिति फिर एक बार निर्मित हुई है भाजपा के सामने में, कहीं ना कहीं बीजेपी सरकार इन चीज़ों पर ज़्यादा ध्यान दे रही है कि हम भाजपा बूथों के अंदर जाएंगे तो हमको ज़्यादा सफलता मिली, चूँकि अन्य पार्टियों का ध्यान इन पर ज़्यादा नहीं है, इसलिए अंदर ही अंदर ये स्टार्टिंग से अर्ध पन्ना प्रभारी हर चीज, एक तरफ सरकार योजनाओं के लेके अपनी ताकत झोंक रही, दूसरी तरफ यह है कि आम पब्लिक के सीधे टच में कैसे रहे। जैसे पन्ना प्रभारी जो बनाया गया है, एक पन्ने की एक प्रभारी है, तो वो ऐसे व्यक्ति खड़ा करेंगे कि हर एक घर के उनके टच में रहे लोग, ताकि अपन चुनाव में इसका ज्यादा से ज्यादा लाभ ले सके। दूसरा जो पॉइंट है रमेश पांडे साहब, ये मोदी जी का, उन्होंने एक रेलवे वाला एक जाल बिछाने को लेकर के उन्होंने उस पर एक पॉइंट आया था, घनश्याम जी ने बताया कि जो नया रेल कॉरिडोर, रेल का जो पूरा ट्रैक दिया, 4 साल की टाइम लाइन दी, उसको कैसे देखते हैं आप? ये तो बहुत बड़ा है, करीब करीब 7-8 विधानसभा सीटों से गुजरता है, 2-3 लोकसभा भी सकती हैं, निसंदेह छत्तीसगढ़ के लिए फायदेमंद रहेगा। और उस क्षेत्र में जो कोरबा और पेंडर रोड से जो रेल उसी के संबंध बात करें तो हमारे लिए वहाँ आवागमन का साधन तो नहीं है, लेकिन चूंकि जो रेल का परियोजना है उसको पूर्ण होने में बहुत समय लग रहा है, उसमें अगर समय ना लगे तब तो ठीक है, कम समय में हो तब वो फायदेमंद है। दावे किए जा रहे हैं 4 ईयर्स 5 ईयर्स के अंदर उसे
बिलासपुर से मुगली मुगली जो थी वो कबड़ा है वो भी है उसमें पिंडर कटोरा तक जी सर। घनश्याम जी दूसरा मुद्दा है कांग्रेस जो है 15 अक्टूबर तक अपनी लिस्ट जारी कर सकती है, उसने पूरी प्रक्रिया अपनाई है कांग्रेस ने, जैसे वो कहते हैं हमने लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाई, लोगों से आवेदन लिए हैं, फिर उनकी स्क्रूटनी हुई है, पूरी प्रक्रिया पारदर्शी अपनाई है, उसके बाद डिक्लेयर करने जा रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कब करेगी और किस तरह से, उसके पास क्या पैटर्न है टिकट देने का? भारतीय जनता पार्टी संगठनात्मक दृष्टिकोण से जो रणनीति के तहत और जो हमारा पर्यवेक्षक आता है जो राज्य शासन के राज्य सरकार से हमारे राज्य के जो नेताओं के द्वारा और प्रभारी बनकर आता है पर्यवेक्षक उनके द्वारा और यहाँ बूथों के कार्यकर्ताओं को शक्ति केंद्र के कार्यकर्ताओं को मंडल के कार्यकर्ताओं को सभी को बुला करके और उनसे राय मशिया लेने के बाद ही और उस पर राय आगे दिया जाता है। कुछ टिकटें इधर उधर हो सकती हैं सिटिंग MLA की भी? नहीं, इस बारे में संगठन निर्णय लेगा, लेकिन इस बारे में तो अभी चुनाव की रणनीति के तहत और हर जिले में हर विधानसभा स्तरीय और जातीय समीकरण का ध्यान रखते हो कुछ सीटों में हो सकता हो? नहीं, इस प्रकार आइडेंटिफिकेशन कुछ रिकग्निशन आप लोगों ने किया हो कि बेलतला ब्राह्मण सीट है या तखतपुर ठाकुर सीट है या जो भी आपको लग रहा हो, ऐसा कुछ भारतीय जनता पार्टी के रिकॉर्ड्स में कुछ चीज़ें आती है? ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं है, वो तो बड़े नेताओं के द्वारा या हमारे संगठन के निर्णय के पास से लिया जाता है और इसमें इस मुद्दे पर हमारे संगठन के द्वारा निर्णय लिया जाता है। पांडे जी कैसे देख रहे हैं आप, कांग्रेस ने अभी पूरी प्रक्रिया की है और पाँच पाँच चार चार नाम हर विधानसभा के, आप बिलह से आते हैं चूँकि बिलह एक बहुत ही तकनीकी सीट है, एक तो सिटिंग MLA आपके कांग्रेस से जा चुके हैं वहाँ के और कांग्रेस के पास जो लीडरशिप है वहाँ भी बहुत से चेहरे उभर रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी में अध्यक्ष आते हैं प्रदेश के कांग्रेस और तीसरी चौथी शक्ति के रूप में एक आम आदमी पार्टी से तस्वीर भी वहाँ पर सक्रिय है, कैसे दिख रहे हैं आप? फिलहाल स्थिति तो वर्तमान समय को अगर देखा जाए तो त्रिकोणी मान सकते हैं और चूंकि कांग्रेस से ही सियाराम वर्तमान विधायक सियाराम की बहू गीतांजलि ने भी टिकट मांगा है। अच्छा, तो यह भी दावा करता है कि उस परिस्थिति में सियाराम जी चुनाव लड़ते हैं कि नहीं लड़ते हैं? अगर गीतांजलि जी को दिया जाता है गीतांजलि तो, हाँ, तो लड़ते हैं, क्या संभावना है? अगर हम एक संभावना के एज ए जर्नलिस्ट बात करें, मतलब राजनीति में कुछ भी कब हो जाए, कुछ भी कब हो जाए, कहा नहीं जा सकता, नहीं जा सकता। इसके अलावा बाकी जो नाम है उनका कैसा लग रहा है? जो भी अलग अफसर है कांग्रेस में आगे चल रहे हैं फिलहाल में जो बातचीत समझ में आती है उसके साथ। सतीश कैसे देखते हैं आप सारी विधानसभाओं को अगर हम देखें, बिलासपुर में भी अपने बिलासपुर स्टेट तक की अपन बात करें तो भाजपा कांग्रेस दोनों समानांतर है, ऐसा नहीं है कि किसी में टिकट की उठा पटक नहीं मची है, दोनों में किसी की दिख रही है, किसी की नहीं दिख रही है, दिख रही है। कांग्रेस ओपा में काम कर दी क्योंकि संगठन में उनका बहुत दबाव है, ये दोनों टिकट फाइनल करने के लिए जो सूचना है उसके हिसाब से यह है कि एक दूसरे का मुंह ताक रहे कि कौन पहले फाइनल करे उसके बाद हम पीछे से, ये जो बातें बीजेपी इसके संगठन से आ रही हुई है कि कांग्रेस पहले फाइनल कर ले उसके बाद हम लोग उसमें खड़ी करेंगे, क्योंकि जो बात समझ में आ रही है कि 24 विधायकों को प्रदेश में टिकट काटने का चल रहा है, 24 लोगों का मंत्री सही राज्य में टिकट काटने की बात चल रही है, 24 का अर्थ होता है आधी विधानसभा जी जी, परफॉर्मेंस के लिए जैसे कि मैं बता रहे हैं हमने सर्वे कराया है उस आधार पे 24 लोगों का टिकट कट सकता है, ये बात सामने आई है। इस आधार पे ये भी देखा जा रहा है यहाँ की कांग्रेस के जो गढ़ है जहाँ भाजपा आज तक जीत नहीं पाई, इन जगहों को कैसे अपन भेद लें इस पे भी इनका ध्यान है पूरा, रणनीति पूरी बनाई जा रही है। फिलहाल अगर बात करें 15 अक्टूबर तक की स्थितियां दोनों पार्टियों की लगभग लगभग फाइनल है कि 15 अक्टूबर के बीच चुनाव आते हैं दोनों पार्टी चाहे दो चार दिन आगे पीछे चाहे कांग्रेस आगे चले 15-20 के बीच में, इसकी बहुत बहुत संभावना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, कल फिर हाजिर होंगे अगले किसी कल के जो विषय रहेंगे राजनीति उनके साथ, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।